बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडिटर का है। एडिटर क्या करता है, इसको हम इस्तेमाल करते हुए अपनी पिक्चर्स में एडिटिंग कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। आज हम इसको डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, एडिटर पर क्लिक करेंगे। ये व्यूअर्स एडिटर का इंटरफेस, देखिए मेरा जो माउस है वो चेंज हो गया है। देखिए ब्लॉक का साइन है, देखिए अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये ब्लॉक है, जब तक मैं इसके अंदर किसी भी पिक्चर को इंसर्ट ना कर दूं ये माउस साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है व्यूअर्स। ये उसका पूरा इंटरफेस है, इसे आप देख लें। ये व्यूअर्स हमारा वो पैनल है जिसपे हम काम करेंगे। इसमें व्यूअर्स फोर जो है वो टाइप्स हैं, होम है, ऑब्जेक्ट है, क्रॉप है और टूल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले व्यूअर्स होम की हम बात करेंगे। होम को इस्तेमाल करने से पहले व्यूअर्स पहले किसी भी पिक्चर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पिक्चर को व्यूअर्स हमने सिलेक्ट किया और देखें व्यूअर्स पिक्चर यहाँ पर आ गई, माउस की शेप भी चेंज हो गई। अब व्यूअर्स क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। ये व्यूअर्स उस पिक्चर का नाम है, ये व्यूअर्स पिक्चर की हाइट और विर्थ है, ठीक है व्यूअर्स, यानी लंबाई चौड़ाई। ये व्यूअर्स उसका साइज है। यहाँ से हम व्यूअर्स फुल स्क्रीन कर सकते हैं, ये क्लिक करते हैं, देखें फुल स्क्रीन, ये उसका पूरा साइज है। मैं डबल क्लिक करके वापस आ सकता हूँ, आप कीबोर्ड की मदद से स्केप प्रेस करके भी वापस आ सकते हैं, ठीक है। अभी हम डबल क्लिक करेंगे, देखें व्यूअर्स हम वापस आ गए। उसके बाद व्यूअर्स फिट विंडो, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये देखें आपकी पूरी विंडो के मुताबिक फिट कर देगा, ये जूम आउट कर देगा, यानी उसे ओरिजिनल शेप में ले आएगा। इस पे क्लिक करते हैं। इसके अलावा आप जो है इसे जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। देखें व्यूअर्स ये जूम हो रहा है, आप देख रहे हैं, और उसके बाद एक यहाँ पर विंडो है व्यूअर्स, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने जूम ज्यादा कर लिया है और आप ये इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इस एरिया पे काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये देख रहे हैं ये इस तरह, अब हम इसे जूम आउट करते हैं। ये जूम आउट करेंगे तो यहाँ पर विंडो नहीं आएगी, जैसे ही जूम इन करेंगे तब व्यूअर्स ये विंडो अपीयर होगी, आप देख रहे हैं, ये देखें व्यूअर्स। अच्छा अब जूम आउट अगेन कर देते हैं। अच्छा व्यूअर्स अब हमने इसे कर दिया। अब उसमें व्यूअर्स अगर आप देखें सबसे पहले नो फ्रेम, देखें व्यूअर्स इस पे कोई भी फ्रेम नहीं लगा हुआ, इसे हम थोड़ा सा व्यूअर्स बड़ा कर देते हैं ये। अब इसमें व्यूअर्स सबसे पहले हम फ्रेम लगाएंगे, फ्रेम की बात करते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स क्लिक करें, ये व्यूअर्स वो लिस्ट है तमाम फ्रेम्स की जो अवेलेबल है, ये वो लिस्ट है तमाम फ्रेम्स की जो अवेलेबल है। सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे, ये देखें व्यूअर्स आप देख रहे हैं ये फ्रेम लग गया। इसी तरह अगर हम कीबोर्ड को इस्तेमाल करें तो वन बाय वन फ्रेम्स आते रहेंगे और आप यहां पर देखते रहें, आप यहां पर देख रहे हैं ये फ्रेम आ गया। अब मैं कीबोर्ड की मदद से एरो की से इसे डाउन करूंगा, देखें व्यूअर्स ये ब्लैंक हो गया, ये देख रहे हैं व्यूअर्स, आप देखते रहें व्यूअर्स, ठीक है, ये देख रहे हैं ये मुख्तलिफ फ्रेम्स हैं। देखें ये ऊपर से स्पेस छोड़ दी उसने, ठीक है, ये देखें व्यूअर्स, ठीक है, ये देख रहे हैं व्यूअर्स, ये बुक स्टाइल है, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं और आप ये देख लें, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट कर लें, आप ये देखें ये आपके पास फ्रेम्स हैं, आप ये देख रहे हैं ये वाला स्टाइल। और ये व्यूअर्स इसमें बहुत सारे फ्रेम हैं, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए लॉट ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल हैं, तो आप ये फ्रेम्स जो है बाकी खुद सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने फ्रेम एक आपको जो है वो सिलेक्ट करके दिखाया, फ्रेम्स हमने कर लिया। फ्रेम के बाद आगे व्यूअर्स ये राउंड की ऑप्शन है, राउंड राउंड क्या करता है व्यूअर्स, तस्वीर को गोल करता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी वाइट है, मैं कलर भी चेंज करता हूँ ताकि आपको वो पता चल जाए कि किस तरह होता है। ये कलर हम ले लेते हैं, ये कलर लेंगे, लेने के बाद अब हम इसे राउंड कर रहे हैं और ये देखें राउंड हो भी रही है, ये देख रहे हैं ये पिक्चर राउंड हो रही है, ये देख रहे हैं राउंड हो रही है। अगर मैं इसे वाइट कर देता हूं कलर, ये वाइट कर दिए, आप देख रहे हैं, ओके प्रेस करेंगे, ये देखें व्यूअर्स ये इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट राउंड की ऑप्शन समझ आ गई, अगेन इस राउंड को जो है ना अगर आप खत्म करना चाहें तो इसे खत्म कर सकते हैं। और ये राउंड की व्यूअर्स मुख्तलिफ जो है एग्जाम्पल्स हैं, आप इस चेक को हटा दें और देखें आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, टॉप से राउंड अलग होगा, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिर चेक लगा देते हैं। अब उसके बाद व्यूअर्स फ्रेम की भी एक लाइन होती है, नो फ्रेम पर क्लिक करेंगे, राउंड पर क्लिक करते हैं, राउंड व्यूअर हम जीरो कर देते हैं, ओके करेंगे, ठीक है व्यूअर्स। और फ्रेम की थिकनेस, ठीक है, इसे हम बढ़ा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बढ़ रही है लाइन, क्लिक करेंगे, कलर चेंज कर देते हैं, ये
इसलिए मैं कलर इस तरह के आपको शो कलर इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है व्यूअर्स, ओके प्रेस करते हैं। ये देख रहे हैं व्यूअर्स, ये इस तरह आप बॉर्डर लगा सकते हैं फ्रेम का, और इसे अगर ख़त्म करना चाहें इसे व्यूअर्स जीरो कर दें, आप जीरो करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। ओके प्रेस करें, ये देखें व्यूअर्स ख़त्म हो गई। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स हम क्या करते हैं, मार्जिन, मार्जिन की बात कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, ये व्यूअर्स ये मार्जिन है आपका, इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये व्यूअर्स हमने इसका कलर ये कर लिया, ये मार्जिन हम बढ़ा देंगे, फोर साइडेड मार्जिन जो है ना आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये देख रहे हैं व्यूअर्स, ओके करें, ये मार्जिन आ गया। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये कुछ ऑप्शन दी गई हैं, पिक्चर को सेव भी कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, अंडू आल भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। अंडू करेंगे तो एक स्टेप अंडू होगा, अंडू आल करेंगे तो कंप्लीट स्टेप जो है वो अंडू हो जाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, अंडू खत्म हो गए। ठीक है व्यूअर्स, आपकी एक्चुअल पिक्चर दिखाई दे रही है इस वक्त। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स क्या करते हैं, फ्रेम लाइन, इस पर व्यूअर्स क्लिक करते हैं। थिकनेस, वही व्यूअर्स थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें दिखाई दे। ये देखें व्यूअर्स, ये फ्रेम के साथ जो लाइनिंग है, और व्यूअर्स ये देखें आप इसे बढ़ा सकते हैं, देख रहे हैं व्यूअर्स ये इस तरह बढ़ जाएगी। राउंड को आप कम कर सकते हैं, ये देखें राउंड कम हो रहा है। यहाँ से टाइप है, आप इसमें से कोई भी टाइप ले सकते हैं। ये देखें ये वाली एक टाइप है, ये वाली टाइप है, ये वाली टाइप है, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है आप किस तरह की जो है फ्रेम लाइन चाहते हैं। कलर चेंज कर दें, ये कलर ले लें, और अगर आप लेना चाहते हैं ये कलर ले लें। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है और ये इसकी कैपेसिटी है। देख रहे हैं ये बिल्कुल लाइट कर दी, बिल्कुल लाइट, और जैसे अगर हम इसे डार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर ले लें, ये देखें डार्क हो गई। ठीक है, ओके प्रेस करें, ये देखें व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, ये तो फ्रेम लाइन्स होंगी, और फ्रेम भी आप इंसर्ट कर दें, फ्रेम ये वाला फ्रेम इंसर्ट किया और साथ उसके फ्रेम लाइनिंग भी आ गई। आई थिंक सो कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला जो पोर्शन है ये करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, इसी के साथ व्यूअर्स मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।